फ्रेंड्स वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल फुल ऑफ नॉलेज एंड अपडेट। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के 10th और 12th क्लास के एग्जाम के रिलेटेड। आखिरकार उनके एग्जाम के बारे में गवर्नमेंट ने क्या सोचा है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है 10th और 12th के बच्चों के लिए। गवर्नमेंट ने अभी तक कोई भी क्लियर कॉन्फिडेंस से कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लिया है कि आखिरकार वो प्रीपोन किए जाएंगे बच्चों के एग्जाम या नहीं। ये किसने कहा है, इट इज़ ए डेलिकेट इशू, ए बैलेंस डिसीजन हैज़ टू बी टेकन। ये एडवाइजर के शर्मा जो हैं, गवर्नर के एडवाइजर हैं, उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा इशू है जो काफ़ी स्लिपरी है, इसको एक बैलेंस डिसीजन जो है अभी तक गवर्नमेंट को लेना है, अभी लिया नहीं गया है। काफ़ी बच्चे टेंशन में थे कि उनके एग्ज़ाम 1 नवंबर से करवाए जाएंगे, उनको सिलेबस प्रिपेयर नहीं था और वो बच्चे काफ़ी स्ट्रेस में आ गए थे। और क्योंकि पहले 15 नवंबर में एग्ज़ाम की बात कही थी और इलेक्शन की वजह से जो एग्ज़ाम उनके पहले करने का कहा। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, संडे को जो के शर्मा एडवाइज़र हैं उन्होंने न्यूज़ एजेंसी ग्रेटर कश्मीर से बात करते हुए कहा कि ये एक ऐसा इशू है जिसको बैलेंस करना है, अभी जो है वही उस हिसाब से बैलेंस किया जाएगा जो बच्चों के इंटरेस्ट में होगा। नथिंग सो फार हैज़ बिन फाइनलाइज्ड ऑन एडवांसिंग द क्लास 10th एग्जाम, अभी तक कुछ पक्का कंफर्म नहीं किया क्या किया जाएगा। ही सेड एडिंग द व्हाट एवर विल बी डिसाइडेड, जो कुछ भी डिसाइड किया जाएगा वो स्टूडेंट के फ़ायदे में किया जाएगा ताकि उनके फ़ायदे में और वो कन्विंस हो जाएं इस बात से। एडवाइजर ने उसके बाद ये भी कहा कि चेयरमैन जेके बोर्ड हैज़ डिस्कस द मैटर विद द गवर्नमेंट एंड दे आर लुकिंग इन द कीपिंग इन इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट। और जो चेयरमैन जेके बोर्ड वीना पंडिता ने भी गवर्नमेंट से इस मैटर में बात की थी। जैसे आप जानते हैं कि 10th और 12th के एग्ज़ाम को इसीलिए प्रीपोन किया था क्योंकि पंचायत के इलेक्शन 1st वीक ऑफ दिसंबर से कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, उसके बाद वैकेशन होती है, स्नोफॉल होती है और पंचायत के इलेक्शन में भी जो हिंड्रेंस आएंगे और बोर्ड के एग्ज़ाम में भी, इसीलिए वो सोचते हैं कि दिसंबर से पहले ही एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवाए जाएँ क्योंकि ये विंटर जोन है, इसमें स्नोफॉल की वजह से कुछ भी पॉसिबल उतना नहीं हो पाता है। और ये क्या है कि जेके बोर्ड, इट इज़ ओनली अबाउट द कंडक्ट ऑफ एग्जाम बट द जेके बोर्ड हैज़ टू थिंक अबाउट अदर इश्यूज रिलेटेड टू एग्जाम विच नीड नॉट टू बी वर्कड आउट एज वेल दैट वाइज। अब जैसे देखो ये खाली एग्जाम कंडक्ट करवाने की बात है, और भी जो बातें हैं वो जेके बोर्ड को सोचनी चाहिए। एडवाइजर का कहा है कि एग्जाम को जो है स्टूडेंट्स आर स्ट्रांगली कम आउट के, काफ़ी बच्चे इसके खिलाफ आए कि उनके पेपर क्यों प्रीपोन किए हैं और उसके बाद बच्चों ने क्या किया कि 11th क्लास के बच्चों ने प्रोटेस्ट किया, उनको मास फॉर्मेशन रीजन यही है कि 10th और 12th का इसलिए कहा क्योंकि ये बोर्ड की क्लासेस हैं, इनके एग्जाम लेने काफी जरूरी, लेकिन 11th का भी उतना इंपॉर्टेंट है इतना नहीं जितना 10th और 12th का है। और उसी के साथ साथ बच्चों को अगर कोई कमेंट हो मुझे कमेंट कीजिए, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए कि विंटर वेकेशन के बाद आपके एग्जाम कंडक्ट करवाना उतना मुश्किल हो जाएगा और साथ साथ अगर बात की जाए 11th क्लास की, उनके लिए एक वीडियो आ रही है और उनके लिए एक अच्छी बात हो सकती है अगर 10th और 12th के एग्जाम के बाद ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स अ लॉट।